मेरे को कह रहे हाँ। जाओ आप किचन संभालो, काउंटर मैं संभालूंगा हाँ। तो इतने मजे कहाँ है इसके लिए हाँ। कुछ ना कुछ होटल खोल रखा है तो खाने के लिए हाँ, तो और नहीं तो खुद ही सही। और हम लोग इतने सुंदर सुंदर गांव से होके जा रहे हैं, कभी भी हम लोग जब और ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम लोग इन्हीं प्याज वगैरह को लेने के लिए आए थे। ये यहाँ के लोकल प्याज है और 30 रुपए किलो है। बुरांस का ही जंगल है तो इसलिए यहीं आसपास हाँ यहीं का है हाँ। ये पूरा बुरांस का जंगल है तो ये यहाँ का लोकल होगा। इस दुकान में पहले जूस खाया था बुरांस का हाँ। बहुत टेस्टी रहता है। सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे खूबसूरत आदि बद्री से। सामने आदि बद्री का मौसम दिख रहा है। आज सुबह सुबह हल्का मौसम खराब था, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी, लेकिन अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब पूरे दिन भर धूप रहने वाली है, गर्मी शुरू हो गई है। कई लोग कह रहे हैं आपके इतने मजे हैं, आपके यहाँ बारिश आ रही है, आप ठंडे मौसम में है। वो पहले जमाने की बात थी जब शहरों में थोड़ा धूल मिट्टी और वैसा माहौल रहता था और पहाड़ों में थोड़ा ठंड होती थी, लेकिन आज सब बदल गया है। आज यहाँ भी उतने ही बुरे हाल हैं जैसे बाहर हैं। गर्मी के मारे मतलब बिना फैन एसी कूलर के यहाँ भी काम नहीं चल रहा है। तो फिर ये है नीचे जीजाजी लोगों का रेस्टोरेंट और ये है यहाँ पर सुंदर सी रोड। यहाँ पर यहाँ का नजारा ऐसा लगता है ना देखने में, बिल्कुल मजा सा आता है। ये हम फोटोज वगैरह में देखते हैं। दीदी ने मुझे थोड़ा सा नीचे बुलाया है, हमें कुछ काम था तो दीदी ने मुझे कहा कि थोड़ा सा नीचे आ जा। और वैसे तो मेन रास्ता उधर से है बिल्कुल सामने से, लेकिन मैं यहीं से जा रही हूँ क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट है। वैसे तो हम लोग इस रास्ते से आते नहीं है क्योंकि ये बहुत फिसलन भरा रास्ता है, इसपे बहुत धूल मिट्टी रहती है, लेकिन कल बारिश आई तो मिट्टी जमी हुई है तो जाने के लिए थोड़ा आसानी हो रही है। ये अच्छा है कि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अभी कोई लोग यहाँ पे है नहीं। और दुकान का हीरो है यहाँ पे सबसे पहले हाँ। क्या बोल रहा? मैं यहाँ का हीरो। क्या हाल है तेरे? ठीक है, बहुत बढ़िया है मेरा तो। हमेशा इसके चेहरे पे इतनी रौनक क्यों रहती है भाई? हमेशा हंसता रहता है, मजा आता तुझे यहाँ? बहुत मजा आता है। बहुत नहीं, घर नहीं जाएगा? नहीं, क्यों आता है मजा? बहुत मजा आता है। हाँ ये हंसता ही रहता है बस, इसको मजा आता है यहाँ। और अब आ गई असली मालकिन। हेलो, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। एक बार प्रणाम और आप सभी का ढेर सारा आशीर्वाद। हाँ, तो ये पहले ये बताओ, ये विकास इतना खुश क्यों बोल रहा? मैं घर ही नहीं जाऊंगा अपने कहाँ से, जब मजे से काउंटर पे शोर कर मेरे को कह रहे हाँ। जाओ आप किचन संभालो, काउंटर मैं संभालूंगा हाँ। तो इतने मजे कहाँ है इसके लिए हाँ भाई। तो मैंने कहा इतने लोग हैं काम करने वाले, तभी ये पता नहीं क्या यहाँ इधर उधर करती रहती है, थकती रहती है फालतू। मैंने कहा अपने घर में तो मैं कुछ काम करती नहीं हूँ। और मैंने कहा मेरी बहन बोल रही है कि तू सीखने के लिए सीधे होटल में ही आई, मतलब वो भी इतने लोगों के बीच। कल क्या हुआ कि काफी लोग आ रखे थे, मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं भी हाथ मार देती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत मैं भी कुछ कर लेती हूँ। वैसे मैं ज्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि मेरे पसीने छोड़ गए और मैं तो भीड़ देख के ही वो हो गई कि यार क्या करूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये करूँ। इन्होंने कहा तू साइड हो जाओ। अब पहले मुझे बोल रही थी कि सीख ले पहले, बहुत हेल्प हो गई। ऐसा नहीं अंदर बाहर भी करे आदमी तो लगता है कि हाँ भाई अपना है यहाँ, है ना। ये आवाज किस चीज की है ऊपर बार बार? पेड़ की टहनियाँ टूट रही है ना। अच्छा कौन सा पेड़ है ये? मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। खड़ी का ना? हाँ पता नहीं, एक पेड़ है उसके, मतलब इसके जस्ट होटल के ऊपर है वो, तो ऐसा लग रहा है जैसे ओले गिर रहे हैं, आवाज सी आ रही है टंग टंग टंग। सबसे ज्यादा मजा तो ये है ना भाई। हाँ, मुझे गाफ क्यों मारा? सुन, सबसे ज्यादा मजे करता है भाई ये। मैं बहुत मजा हूँ ना। मैं मजा हूँ मतलब हंसता रहता है, बोलता मैं जाऊंगा नहीं, मैं यही रहूंगा, पता नहीं इतने क्या मजे आ रहे हैं इसके। मैंने कहा 2 मिनट फ्री हो नहीं रहे की कभी ना कुछ खाने पीने को। हाँ? कुछ ना कुछ होटल खोल रखा है तो खाने के लिए हाँ, तो और नहीं तो खुद ही सही। हाँ कुछ ना कुछ। तो फिर तब से वेट करते करते इनका तो अब दिखने लगे हैं। ये देखो, ये आगे है गौरी, पीछे है मनु। क्या
क्या बोल रहे हो मन्नू? जा वापस जाता लेने उनको। अभी तो हम लोग छोटे मोटे कामों में लगे हुए थे, मैं तो नहीं, ये सब लोग लगे हुए थे। तो अब शाम को हम लोग फ्री हो गए हैं और अब कल हम लोग काफिल लेने के लिए गए थे, आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? दिवाली खाल। क्या करने? घूमने। ऐसे घूमने जा रहे हैं तो ये आ रही है नहीं आ रही है? नहीं नहीं, दुकान में कौन रहेगा जी? आज ही दुकान में रहेंगे तो गाड़ी कौन लेके जाएगा? हाँ भाई, तो इसलिए हम लोगों का प्लान बन गया है थोड़ा घूमने जाने का। देखो जियाजी ने मना किया है। मैं भी जाऊंगा। ये सब जगह तैयार है। वही तो हम लोगों ने शाम को थोड़ा सा यहाँ पास में, जियाजी ने कहा कि बच्चों भी सुबह से घर में ही है और शाम को थोड़ा घूम के आ जाते हैं, तो जियाजी तो गाड़ी लेके जा रहे हैं क्योंकि वही चला सकते हैं और बाकी ये यहीं पे रह रही है। नमस्ते, आज तो सभी का स्वागत है मनीष व्लॉग में। व्लॉग में तो जो कुछ है, ये क्या लगा रखा, आज बिंदी लगा रखी। और ये देखो मन्नू कितनी एक्टिवनेस से आ रहा है। कहाँ जा रहा है घूमने? जंगल चट्टी जा रहा है। जंगल चट्टी? यहाँ देख के बोल। जंगल चट्टी जा रहा है। उनके गाली कर जा रहे हैं देवाली खाल या फिर जंगल चट्टी के आसपास, हमें कुछ काम है और हम लोग इतने सुंदर सुंदर गांव से होके जा रहे हैं। कभी भी हम लोग जब और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये थोड़ा आवाज कम करो। हाँ, जब भी हम कभी लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो हमें लगता है यार लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। और यहाँ भी बड़े बहुत ही अच्छे अच्छे गाँव है, मतलब गैरसैंण तो खैर अच्छी सिटी ही है, गैरसैंण भी लगभग यहाँ से 20-21 किलोमीटर दूर ही है। अच्छा 17 किलोमीटर यहाँ बस। हाँ यहाँ पीछे लिखा होता ना 22। तो इतने सुंदर सुंदर जगहों से होके हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से 243 किलोमीटर ओ लिखा हुआ था ना। हाँ। मजा आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, कहाँ गई तुम्हारी एक्टिवनेस? उस समय आते हुए बोर्ड गए, चलो 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 बोल, मजा आ रहा है। हेलो हेलो, ये जो हाईवे है ये गैरसैंण और कुमाऊं अल्मोड़ा की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ से आजकल यात्रा का सीजन है, तो जो भी लोग आजकल चार धाम यात्रा पे होंगे तो कुछ लोग यहाँ से कुमाऊं नैनीताल की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं तो ये सब शायद वहीं जा रही हैं। हाँ, नीम करोली बाबा का आजकल बहुत वो है, मतलब लोगों की काफी भक्ति है उनके प्रति, तो वहाँ भी कई लोग आते जाते रहते हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं देवाली खाल मार्केट में। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नैनीताल 155 किलोमीटर है, रामनगर 172 और भराड़ी सैंड यानी जहाँ पे विधानसभा का जो भवन है ना वो जगह यहाँ के पास में है। तो हम खा रहे हैं पकौड़ा चटनी और उधर पे हम उधर जंगल चट्टी पे हम मोमोस खाएंगे। तो यहाँ से निकल गए हम लोग वापस और हमारे पास क्या क्या है दिखाओ, किसके पास क्या है? मन्नू के पास ही है, ठीक है, एक मन्नू का एक मेरा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद हम लोग एक दूसरी जगह पे आए हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ दिन पहले भी आए थे और हमने यहाँ पे मोमोज वगैरह खाए थे। हमारा काम यहाँ पे यही था क्योंकि जियाजी को यहाँ पे लोकल क्या होता है लहसुन और प्याज मिलते हैं, तो एक तो हम काफल लेने भी आए थे और यहाँ से लहसुन प्याज ले जाने भी आए थे। यहाँ से हमें जूस भी लेना है, 2-3 चीजों के लिए हम लोग यही आए थे क्योंकि ये लोकल होता है और बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए ही यहाँ आए थे। तो यही है वो दुकान, मतलब रोड के बिल्कुल ऊपर है और अभी मुझे इस जगह का नाम याद नहीं आ रहा, इन बच्चों से पूछूंगी। तो यहाँ पे जियाजी के दोस्त की दुकान है तो वो बहुत अच्छे मोमोज बनाते हैं, तो इन बच्चों को पूछूंगी मैं, बेटा इस जगह का नाम क्या है? हाँ क्या बोल दे, एक होता क्या जी हमको ना है, ये देखो लटक रही है पर जवाब नहीं दे रही। तो हम लोग इन्हीं प्याज वगैरह को लेने के लिए आए थे, ये यहाँ के लोकल प्याज है और 30 रुपए किलो है, शायद 30 रुपए किलो है ना, कितने रुपए किलो है प्याज? देखो इनसे जो भी पूछो शर्मा जा रहा है, अभी तक बात कर रहे थे। तो ये प्याज 30 रुपए किलो है और लहसुन शायद 80 रुपए का या 100 रुपए का, तो ये लोकल है, हम लोग इनको लेने के लिए आए हैं।
जब हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ आए थे तो यहाँ पे भैया जो शेफ हैं, जो मोमोज वगैरह बनाते हैं, उन्होंने हमें बताया था कि ये पहले उनका घर था, मतलब अभी भी घर ही है पीछे, तो अपने घर के बरामदे पे उन्होंने यहाँ पे हल्का सा रेस्टोरेंट बना रखा है। और ये देखिए, मतलब ये पेड़ भी सूखने लग गया है क्योंकि उस दिन पहले आजकल जंगलों में आग लगी थी। और खेतों में भी यहाँ पे ऐसे नहीं हो रखी है कि दाल धान वगैरह नहीं हो रखी है, सब लोगों ने खेतों में कुछ सब्जियां लगा रखी है। नीचे तक भी मैं देख रही हूँ, खेतों में सब ने सब्जियां लगा रखी है। याद है तुम्हें, हम पहले भी आए थे यहाँ, है ना? क्या खाने वाले हो? मोमोज। हम लोग जब पिछली बार भी आए थे तब भी हमने इसकी खुशबू सूंघी थी। ये है सौंप का पौधा, मतलब जब इसको सूंघ रहे हैं ना तो पूरी सौंप की खुशबू आ रही है। पता नहीं कैसे लगता होगा, अभी तो लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ये देखिए, इस पे एक कीड़ा भी है। ऐसा क्यों होता होगा, जो जिस कलर का पौधा होता है उस पे उसी कलर का कीड़ा लगता है। देखो कितना बड़ा है, डर लग रहा है। तो ये पूरी खुशबू इस पे सौंप की आ रही है। कैसे हुए मोमोज? अच्छे अच्छे, ठंडे नहीं हुए? पहले से ही अच्छे थे, अभी तो पहले से अच्छे थे, अब और अच्छा हो। हाँ बढ़िया। चलती बहुत पीठ से आ रही है। विकास कैसे हो रहे? पहली बार आया विकास हमारे साथ यहाँ, है ना? वरना रोना स्टार्ट कर दिया था विकास। और जंगल चट्टी के पास में हम लोग एक दूसरी दुकान पे रुक चुके हैं। ये यहाँ के लोकल लोगों की दुकानें हैं और यहाँ पे लोकल सामान जो भी होते हैं, जूस वगैरह, बुरांस का जूस मिलता है, माल्टा, आंवला और जितने तरह के भी जूस होते हैं वो सब यहाँ पे मिलते हैं। और अचार वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मतलब बिल्कुल प्योर होती है और जिसका टेस्ट बहुत रियल होता है। तो जिया जी ने बोला था कि यहाँ से लेके जाना है, तो हम ये एक दो डब्बे यहाँ से जूस लेके जा रहे हैं। हाँ, इस दुनिया की जूस बहुत अच्छी रहती है। इस दुकान में पहले की जूस खाया था बुरांस का, बहुत हाँ। टेस्टी रहता है। किस चीज का चाहिए? ए बुरांस का बहुत अच्छा होता है, ए दो मचार का बहुत अच्छा होता है, आम का दो मेरे को भी दो। तो हम लोगों ने लिए हैं यहाँ पे दो माल्टे के जूस। हाँ रुज, अच्छा, दो माल्टे के जूस हैं और ये चार अचार हैं। एक नींबू का है, एक आम का है, ये कटहल का है और इसके अलावा एक दूसरा पता नहीं किस चीज का है। तो ये चार अचार ले रखे हैं, और इसके अलावा एक बुरांस का भी ले लिया। ये बुरांस का तो यही आसपास का होगा ना, क्योंकि यहाँ ये बुरांस का ही जंगल है तो इसलिए यही आसपास। हाँ यही का है। हाँ ये पूरा बुरांस का जंगल है तो ये यहाँ का लोकल होगा। अच्छा, और एक ये बड़े नींबू का। चार जूस हो गए, चार अचार हो गए। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। हाँ अभी चलो पीछे हटो।